नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार में जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली बड़े तौर पर किया गया है, जिसमें TRE 1, TRE 2 और TRE 3 भी किया गया था, जो TRE 3 फिलहाल रद्द कर दिया गया है, उसमें खुलासा हुआ है पेपर लीक के मामले में। TRE 1 का एग्जाम हुआ, TRE 2 का एग्जाम हुआ। सवाल जो है TRE 2 से उठना शुरू हुआ था। TRE 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें किसी प्रकार का कोई अभी तक ले सवाल यानी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा था, लेकिन जब ही TRE 2 का एग्जाम इतना तेजी से हुआ, उस तेजी में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई जिस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे, और जिसके माध्यम से विभाग हो या शिक्षा विभाग पर एक घेरे के अंदर, लोगों के एक प्रश्न चिन्ह के अंदर ये सारे विभाग जो है धीरे धीरे डूबते जा रहे थे, और इसका खुलासा जो है TRE 3 में स्पष्ट रूप से सामने आपके आ गया। अभी फिलहाल जो घटनाएं आप देखे होंगे कि जो पेपर लीक का जो मामला है वो बीपीएससी ऑफिस तक पहुंच चुका है, और वहां भी उसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। आपराधिक इकाई जो विभाग है वो बिहार सरकार की, वो जो है एक एक कड़िया जोड़ रही है, और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर या नेता कहिए, यानी बड़ी मछलियां के फंसने के कगार पर हैं। लेकिन फिलहाल जो है जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है उस पर थोड़ा सा शिथिलता बरता जा रहा है। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि इसमें कोई ना कोई बड़े लोगों का हाथ है, जिसके माध्यम से इस पर उतना जितना शुरुआत में एक्शन हो रहा था उस प्रकार से एक्शन नहीं हो रहा। अभी इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है दोस्तों कि जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल देखने में आपको पता चला होगा मैंने अतुल सर पर यह बात कहा होगा कि उनको एक अब जेल जाना होगा। हाँ दोस्तों, मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि आप व्हाट्सएप पर एक FIR की कॉपी आप देख चुके होंगे, जिसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है अमरीश कुमार। अमरीश कुमार ने एक बहुत ही संगीन आरोप लगा दिया है बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन यानी अतुल प्रसाद पर। यह बहुत ही संगीन आरोप लगा दिया है। उस FIR को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, इस FIR को अगर ध्यान से आप देखिएगा, आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई कि किस प्रकार से TRE 2 में घोटालाबाज भी हुआ है। क्योंकि बताइए कि किस प्रकार से उस समय प्रश्न उठा था कि किसी का ट्रेन लेट हो जाने से, यूपी वालों का ट्रेन लेट हो जाने से, या किसी का भी ट्रेन लेट हो जाने से पेपर का जो शेड्यूल से चेंज कर दिया गया था, भाषा लैंग्वेज पेपर को हटा दिया गया था, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न उठे थे। किसी न किसी के फेवर की ये बात हो रही है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता नहीं है दोस्तों। अभी उस FIR कॉपी को आप लाइन बाय लाइन पढ़ते तो उसका तार जो है बहुत ही बड़ा घोटाले की ओर जा रहा है, और उसमें भी बहुत बड़ा पेपर लीक का कांड उजागर करने की ओर इशारा कर रहा है। उसका जो तार है बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट के चैनपुर जिले के माध्यम से यूपी में पैसा पहुंचाया जा रहा था, और अतुल प्रसाद सर का मूल निवासी जो है वो यूपी से रखते हैं, तो इस तरह से तार अनेक जोड़े जा रहे हैं। इस FIR कॉपी की जो बात है वो स्पष्ट कर रही है कि कुछ ना कुछ इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और इतने बड़े संगीन आरोप मोबाइल नंबर के साथ, हस्तक्षेप और नाम एड्रेस के साथ कोई कैसे लगा सकता है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है, और इस अगर सच्चाई को हकीकत अगर मान लिया जाए तो समझिए कि कितना बड़ा घोटाला इतने बड़े आयोग के सर्वश्रेष्ठ पर बैठे हुए एक अधिकारी कर सकता है। ये अनुमान तो आप सोच नहीं सकते कि इसमें करोड़ों का जिक्र किया गया है, और स्पष्ट रूप से बताया गया है किस प्रकार इसमें पैसा पहुंचाया जा रहा था, और पैसा पहुंचाने पर इस पर नौकरी की कैसे बात करी, खासकर उसमें बीपीएससी का ही जिक्र किया गया है, चाहे वो शिक्षक का बीपीएससी एग्जाम हो या बीपीएससी के अन्य एग्जाम हो। इस पर पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बीपीएससी की पूरी तरीके से नाम लिया गया है कि उसी के नाम पर पैसा पहुंचाया जा रहा था, और पैसा इस डिस्ट्रिक्ट यानी कैमूर डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, फलाने उसमें नाम भी दिया है, इसके माध्यम से आप उनके पास पहुंचाया जा रहा था, और इसके सूत्रधार थे। उनका पत्नी का भी जिक्र है उसमें, जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन IAS अतुल प्रसाद हैं, उसमें भी उनकी पत्नी का जिक्र है, जिसमें ये कहां सुनी हुई है अनबुनिया, और जिसके माध्यम से आपराधिक इकाई विभाग पर ये FIR दर्ज किया गया है। दोस्तों इसमें बेजाब्ते जो है किस प्रकार से कुरियर के माध्यम से पैसा हो या कोई भी चीजें हो कैसे पहुंचाया जा रहा था, उस कुरियर का फोटोकॉपी दिया गया है, इसके बारे में बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया गया है। छोटी सी अखबार की कटिंग भी निकली हुई है इस पर, लेकिन इस मुद्दे को सोचिए कि बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया गया है, क्योंकि एक विभाग की छवि धूमिल होने वाली है। लेकिन अगर
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें पूरी तरह से सच्चाई है, लेकिन अब अनुमान तो लगाइए कि अगर इसमें सच्चाई है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट, जो अपने कठिन परिश्रम के बदलते एग्जाम दे रहे हैं, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, इसके बारे में अगर आप सोचिएगा तो आपको रूह कब जाएगा। ऐसे ऐसे अगर बड़ा घोटाला हुआ है तो ऐसे ऐसे घोटाला बाजू को पकड़ना होगा और उस यानी सलाखों के पीछे उसे डालना होगा दोस्तों। और आगे देखते हैं कि इस लगाए हुए आरोप पर क्या होता है दोस्तों। तो ऐसे ही जानकारी पूर्व वीडियो देखने से चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों को। जय हिंद।